मेरी मम्मी की गलती है, 2 मिनट बोल देती, 2 मिनट आप बाहर बैठो, मैं इनसे बात करती हूँ, फिर आप आ जाना। तू लेट हो रहा होगा। और मैं हिम्मत चाचू से कह रहा हूँ क्यों आ, और कई दिनों से मुझे पिज्जा बर्गर का मन कर रहा है, अब तक तो सर्विस भी हो जाती थोड़ी बहुत। मैं झूठ नहीं बोल रहा, कभी देना मेरे हाथ में, ऐसी उड़ाऊंगा ऐसी उड़ाऊंगा। गाड़ी उड़ा लेता है क्या? मैंने उसमें सीखा है, क्या कहते हैं मोबाइल होते हैं ना, पहले पता है पहले स्टार्ट करते हैं ब्रेक पे और क्लिच पे ध्यान होना चाहिए। अच्छा। तो जल्दी से ब्रेक मारो, बैक गियर डालो थोड़ा सा, फिर जैसे हमने यू उतारा तो उसको थोड़ा सा यू, थोड़ा सा बस यू ही रखना है और पीछे ले लो। अभी छोटा हूँ, इतना तो याद है कि मम्मी ने बोला था कि 2 बजे आ जाना सर्विस करवाने, तुम और बेटू चले जाना। फिर उसके बाद ये हुआ कि वो फिर 2 बजे आ गए, उससे पहले मैंने खाना भी खा लिया, और कई दिनों से मुझे पिज्जा बर्गर का मन कर रहा है, डबल एग रोल होती है ना उनका मन कर रहा है, तो इसलिए हम पहले सर्विस करवा के फिर वो खा आते ना, उनको तो नहीं बनानी, मतलब ऑर्डर तो कर दी। अच्छा। तो बच्चा जो एक दिन कर रहे थे, पर पता है क्या हुआ, फिर जहाँ से वो करते हैं वो कर नहीं, वो उसने ऑफ कर दिया था। अब आपको इतना तो पता है कि सर्विस करवाने, फिर उसके बाद वो आ गए बच्चा चू अभी है ना, तो फिर वो क्या कहते हैं, उससे पहले एक ललिता है, वो आते ना कंपनी वाले, एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, मेडिकल वाले आते हैं ना वो दवाई वगैरह के लिए। हाँ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं उनको, उनको दिखाते हैं ना, दवाई वगैरह दिखाते हैं बुकलेट में खोल खोल के। हाँ, फिर हाँ वो आए हैं, कई देर से वही है, और हिम्मत चाचू अभी आए हैं, तो हम उनके साथ चले जाते, अब तक तो सर्विस भी हो जाती थोड़ी बहुत। और क्या, तो अब इसमें गलती किसकी है? मम्मी की गलती है कि जो एमआर आया है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उसकी गलती है या चाचू की गलती है? मेरी मम्मी की गलती है, 2 मिनट बोल देती, 2 मिनट आप बाहर बैठो, मैं इनसे बात करती हूँ, फिर आप आ जाना। हाँ बिल्कुल, ऐसी होना चाहिए। मैं मम्मी ने कहा ही नहीं, कुछ कुछ नहीं कहा, तब से बात करने लग रही है, तब से बात कर रही है, और तू लेट हो रहा होगा। और मैं हिम्मत चाचू से कह रहा हूँ क्यों, ये मेरी चौथी बार है, इस बार और जाके आ रहा हूँ, तब तक बात नहीं हुई ना तो खुद चले जाऊंगा गाड़ी लेके। हाँ। गाड़ी चला लेता तू? हाँ। सच्ची सच्ची, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कभी देना मेरे हाथ में, ऐसी उड़ाऊंगा ऐसी उड़ाऊंगा। गाड़ी उड़ा लेता है क्या? मैंने उसमें सीखा है, क्या कहते हैं मोबाइल होते हैं ना। अच्छा, मोबाइल में जो गेम आते हैं उसमें गाड़ी चलाना सीख गया है तू? हाँ, मतलब पता नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा। तो फिर पहले पता है पहले स्टार्ट करते हैं ब्रेक पे और क्लिच पे ध्यान होना चाहिए। अच्छा, सही है ना? सही है, बिल्कुल सही बात है। और जब स्टार्ट करते हैं रेस और मतलब एक्सीलेटर और ब्रेक पे ध्यान होना चाहिए। अच्छा। और जब गाड़ी को किसी चीज पे रैंप पे से उतारते हैं, जब क्लिच और ब्रेक, और हमारे तीसरे गियर में मतलब एक गियर में ही सीधी गाड़ी भागती है अपने आप। अपियां? हाँ, ये जो 800 है ना, ये जब इसको थोड़ी सी रेस दबा देते हैं तब चलती है ना, ऐसे ये हमारी थोड़ी सी भागती है। अच्छा। तो इसलिए जब उतारते हैं तो सिर्फ हम ब्रेक और क्लिच पे ही ध्यान रखते हैं। सही बात है ना? सही बात। और फिर उसके बाद जब उतार लेते हैं, तो अगर आगे कोई स्कूटी हो तो जल्दी से ब्रेक मारो, बैक गियर डालो थोड़ा सा, फिर जैसे हमने यू उतारा तो उसको थोड़ा सा यू, थोड़ा सा बस यू ही रखना है और पीछे ले लो, फिर वो आसानी से स्कूटी जब निकल जाए मतलब सामने खड़ी हो, तो फिर थोड़ा सा जब हमने थोड़ा सा यू ले लिया, फिर यू काटो। अरे नहीं नहीं हो रही है। हाँ। कैसे? सीधे उतारता हूँ, जैसे हम गाड़ी उतार रहे हैं मतलब हम उतार लाए, फिर हमें एक गली में लगानी है, हम यू आ रहे सीधे और
एक इधर हमें गली में लगानी है और एक इधर गली है, यूं जाओ यूं और फिर सीधे चलो और फिर यूं करो और फिर अपने पीछे ले लो। आप ही थे वो चलाने में, तो मम्मी चलाने नहीं देती तुझको गाड़ी? अभी छोटा हूँ पर चला सकता हूँ, किसी अपने मम्मी पापा के सामने तो बिल्कुल नहीं चला सकता है। और ये मेरा चौथा राउंड हो गया जा रहा है, चल देख अगर पांचवा राउंड होगा तो फिर जाऊंगा।